हेलो गाइस, आज मैं मूवी एक्सप्लेन करूंगी इडियोक्रेसी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि दुनिया में कैसे इवोल्यूशन आता है। 21st सेंचुरी के स्टार्टिंग में दुनिया बहुत एडवांस हो जाती है, लेकिन इनकमिंग फ्यूचर में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। दुनिया के लोगों की इंटेलिजेंस बिल्कुल खत्म हो जाती है। नेक्स्ट सीन में आर्मी एक ह्यूमन हाइबरनेशन एक्सपेरिमेंट की बात करती है कि हमें एक बेस्ट मैन को फ्रीज कर देंगे ताकि जब फ्यूचर में ज़रूरत होगी हम उसे निकाल कर उसका यूज़ कर सकें। इस एक्सपेरिमेंट के लिए मिस्टर जॉय ब्यूरे को चूज़ किया जाता है। सेम एक्सपेरिमेंट के लिए रीटा नाम की लड़की को भी सिलेक्ट किया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट 1 साल के लिए होता है। नेक्स्ट सीन में जॉय और रीटा को एक मशीन में लिटा दिया जाता है। रीटा घबरा जाती है, लेकिन उसे जॉय समझाता है और दोनों मशीन में पूरे 1 साल के लिए लेट जाते हैं। आर्मी ऑफिसर कॉलिन जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है उसे कई जुर्मों के आरोप में अरेस्ट कर लिया जाता है। रीटा का बॉयफ्रेंड अपग्रेड भी ड्रग्स डबल डोज के मामले में अरेस्ट हो जाता है। एक्सपेरिमेंट बेस को क्लोज कर दिया जाता है और सभी एक्सपेरिमेंट के बारे में भूल जाते हैं। रीटा और जोए को कॉफिन मशीन में लेटे हुए सालों बीत जाते हैं और धरती पर लोग स्टूपिड और मंदबुद्धि हो जाते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ जाती है और ह्यूमंस इतने ज़्यादा स्टूपिड हो जाते हैं कि वो बेसिक प्रॉब्लम्स जैसे कि गार्बेज मैनेजमेंट को भी सुलझा नहीं पाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ईयर 2505 में कचरे का बहुत बड़ा ढेर चारों तरफ फैला होता है। कचरा इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो पूरे शहर में घुस जाता है, लोगों के घरों में भी घुस जाता है। कचरे के पहाड़ के साथ उसके नीचे दबी हुई एक्सपेरिमेंट मशीन्स भी बाहर निकल आ जाती हैं। मशीन्स ओपन हो जाती हैं और जोए बाहर निकलता है। जिस घर में मशीन ओपन होती है उस घर में जो लड़का होता है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो जोए को उठाकर बाहर फेंक देता है। जोए देखता है कि चारों तरफ कचरा होता है। इंग्लिश लैंग्वेज की भी धज्जियाँ उड़ी होती हैं। जोए एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ लोगों की बुरी हालत होती है और वो गेम्स खेल रहे होते हैं। जोए रिसेप्शनिस्ट को अपनी कंडीशन के बारे में बताता है तो वो फोटोज से मैच करती है, लेकिन जोए उसे कहता है कि उसे सिर में दर्द हो रहा है, उसे जॉइंट पेन हो रहा है, उसकी फुल बॉडी में पेन हो रहा है। तो रिसेप्शनिस्ट समझ नहीं पाती और वो कन्फ्यूजन बटन ऑन कर देती है और उसे राइट साइड भेज देती है। वो वाटर टैप पर जाता है पानी पीने के लिए, लेकिन वहाँ पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक बाहर आती है। जब वो एक आदमी से पूछता है तो वो कहता है कि पानी सिर्फ टॉयलेट में यूज़ होता है और कहीं भी नहीं। जोए डॉक्टर के पास जाता है, उसे मैगजीन पर डेट दिखाई देती है। तभी डॉक्टर सिगरेट पीते हुए आता है। डॉक्टर उसे उसका टैटू एक मशीन में डालने को बोलता है। डॉक्टर उसे अपना टैटू दिखाकर बोलता है कि तुम्हारा टैटू कहाँ पर है। जोए मैगजीन पर दोबारा तारीख देखता है और घबराकर विंडो के बाहर झांकता है। बिल्डिंग टूटी हुई होती है, रस्सियों के साथ उन्हें बांधा हुआ होता है, चारों तरफ कचरा ही कचरा होता है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे ऊपर टैटू नहीं है, तुम अनस्कैनेबल हो और तुम स्कैन नहीं हो सकते हो, और वो डर के मारे अलार्म ऑन कर देता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। जोए वहाँ से भाग जाता है। जोए एक मूवी थिएटर में जाता है जहाँ सबसे बेस्ट मूवी ऐश लगी होती है। मूवी स्क्रीन पर 19 मिनट्स के लिए सिर्फ ऐश की फ़ोटो होती है जो कंटिन्यू फार्ट करती है और लोग उसे इंजॉय कर रहे होते हैं। इस मूवी को ऑस्कर भी मिला होता है। नेक्स्ट सीन में जोए को UPC टैटू ना होने की वजह से और हॉस्पिटल बिल ना पे करने की वजह से अरेस्ट कर लिया जाता है। जोए पुलिस को एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताता है, रीटा के बारे में पूछता है, लेकिन उस पर स्प्रे कर पुलिस ले जाती है और उसे पिंजरे में कैद कर कोर्ट ले जाया जाता है। गवर्नमेंट जोए को एक लॉयर प्रोवाइड करती है जो वही लड़का होता है जिसके घर में मशीन आती है जोए की सबसे पहली बार। जोए अपने लॉयर को बताता है कि इसका कोई दोष नहीं है। जो दूसरा लॉयर होता है वो कहता है कि योर ऑनर इसकी शक्ल देखो, सभी हंसने लगते हैं और इसने हॉस्पिटल का बिल भी पे नहीं किया। जोए का लॉयर बोलता है कि इसने मेरे अपार्टमेंट की खिड़की भी तोड़ दी थी। वो कहता है कि इसने मुझे TV देखते हुए डिस्टर्ब भी किया था। लॉयर वही आदमी होता है जिसके घर में जोए की एक्सपेरिमेंट मशीन ओपन होती है। जोए बड़े पेशेंटली अपने केस को स्टेट करता है, लेकिन उसकी पोलाइट और रिस्पेक्टफुल वॉइस को सुनकर सभी स्टूपिड की तरह हंसने लग जाते हैं। जोए को जेल की सजा सुनाई जाती है। इधर रीटा भी मशीन से उठ जाती है और अपग्रेड को कॉल करने की सोचती है, लेकिन टेलीफोन बूथ पर उसे नंबर डाल करने की बजाय उस व्यक्ति का नाम लेने को बोला जाता है जिसे वो कॉल करना चाहती है। उसे साथ ही में $2,000 भी डिपॉजिट करने को बोला जाता है। रीटा एक आदमी से पैसे लेती है, लेकिन नोट के ऊपर बड़ी फनी फोटो होती है। जोए को टैटू बनवाने के लिए ले जाया जाता है जहां उसे कंप्यूटर उसका नाम पूछता है। तो जोए जैसे ही बोलना स्टार्ट करता है वो कहता है कि आई एम नॉट श्योर। कंप्यूटर नॉट श्योर ही उसका नाम आइडेंटिफाई कर लेता है। मशीन जोए के हाथ पर टैटू बना देती है और अब पुलिस गार्ड उसे IQ टेस्ट के लिए ले जाता है। IQ टेस्ट में बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होते हैं और ईजी शेप्स को उनके शेप साइज में डालना होता है, जो कि बिल्कुल बच्चों के गेम की तरह होता है।
जॉय को बाकी कैदियों के साथ जेल में ले जाया जाता है। जॉय को समझ आ जाता है कि सभी बेवकूफ हैं, तो वो जेल से बचने का प्लान बनाता है और पुलिस गार्ड को बोलता है कि आज उसे जेल से रिहा होना है, उसका लास्ट डे है। पुलिस गार्ड एक मशीन में चेक करने लगता है और इतने में जॉय वहाँ से भाग जाता है। जॉय दोबारा उसी घर में जाता है जहाँ उसकी एक्सपेरिमेंट मशीन पहली बार ओपन होती है। जॉय उस आदमी से पूछता है कि क्या कोई टाइम मशीन बनी है जिससे मैं वापस अपने टाइम में जा सकूं। जॉय उस आदमी को बोलता है अगर तुम मुझे टाइम मशीन के पास ले जाओगे तो मैं तुम्हारे नाम पर एक सेविंग अकाउंट पास्ट में जाकर खोलूंगा। वो आदमी अग्री हो जाता है और तभी डोर पर पुलिस नॉक करती है। मैन और जॉय भाग जाते हैं। जॉय को रीटा मिल जाती है और वो पुलिस से बचते हुए भागते हैं। जॉय का टैटू स्ट्रीट कैमरा से स्कैन हो जाता है और अलार्म में बीप होने लगता है कि तभी उनकी कार की बैटरी डेड हो जाती है। वो गाड़ी से बाहर निकलकर पैदल ही जाते हैं और उनके पीछे से पुलिस गाड़ी को गोलियों और बम से उड़ा देती है। चलते चलते उन्हें सुबह हो जाती है। वो कोस्टो नाम की जगह पर पहुँचते हैं। रीटा वॉशरूम चली जाती है और तभी जॉय का टैटू स्कैन हो जाता है और अलार्म बीप होने लगता है। पुलिस से बचने के लिए लॉयर और जॉय एक ट्रेन में बैठ जाते हैं। जॉय रीटा का वेट करने को बोलता है और कहता है कि मुझे टाइम मशीन से पास्ट में जाकर ये एक्सपेरिमेंट करने से रोकना होगा। तभी ट्रेन चली जाती है और पुलिस जॉय को अरेस्ट कर लेती है। रीटा ये सब देख लेती है। जॉय को व्हाइट हाउस ले जाया जाता है क्योंकि आईक्यू टेस्ट में वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट पाया जाता है और गवर्नमेंट का ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जॉय कहता है कि मैं वर्ल्ड का सबसे स्मार्टेस्ट मैन नहीं हूँ। तभी वहाँ एलिजोंडो आता है जो स्मैकडाउन चैम्पियन होता है और प्रेजिडेंट भी होता है। जॉय को प्रेजिडेंट के स्पीच के कॉन्फ्रेंस हॉल में लाया जाता है। प्रेजिडेंट बताता है कि मेरे पास हमारी अनाज न उगा पाने की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हमने सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मैन को ढूंढ लिया है और यही हमारी हेल्प करेगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो हम जॉय को वापस जेल भेज देंगे। नेक्स्ट सीन में एक मीटिंग होती है जहां जॉय का लॉयर भी आ जाता है। जॉय बाहर जाकर उससे टाइम मशीन के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि शायद वो म्यूजियम में है। जॉय सभी ऑफिशियल्स को कहता है कि क्रॉप उगाने हमें म्यूजियम से स्टार्ट करना होगा और वो सभी को कहता है कि इस प्रोसेस के लिए हमें रीटा को भी ढूंढना होगा। जॉय बाकी सभी ऑफिशियल्स के साथ क्रॉप लैंड पर जाता है और चुपके से लॉयर के पास से टाइम मशीन तक पहुँचने का मैप ले लेता है। तभी रीटा को वहाँ लाया जाता है। जॉय बहाना बनाकर वहाँ से रीटा को अपने साथ ले जाता है और जब वो मैप देखता है तो वो किसी बच्चे की ड्राइंग जैसा होता है। तभी वहाँ अदर ऑफिशियल्स आ जाते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। तभी उनके ऊपर कुछ कोल्ड ड्रिंक की बूंदें गिरती हैं और जॉय को पता लग जाता है कि ये लोग क्रॉप को पानी नहीं कोल्ड ड्रिंक से सींचते हैं। यही मेन रीज़न होता है फसल पैदा ना होने का। जॉय मीटिंग में सभी से कहता है कि प्लांट्स को वाटर डालना होगा लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। तो जॉय कहता है कि मैंने प्लांट से बात की है और उन्हें पानी चाहिए ना कि कोल्ड ड्रिंक। प्लांट्स को जॉय पानी डालता है और उनकी ग्रोथ की वेट करता है। नेक्स्ट सीन में पब्लिक व्हाइट हाउस पर हमला कर देती है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक की सेल जीरो होने की वजह से वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। जॉय को जेल में डाल दिया जाता है। जॉय रीटा से कहता है कि तुम लॉयर के साथ जाओ और टाइम मशीन से वापस जाकर लोगों को समझाओ और ये एक्सपेरिमेंट करने से रोको। जॉय को रिहैबिलिटेशन नाम के शो में लाया जाता है। वहाँ उसे एक छोटी सी कार में बिठा दिया जाता है और उसे वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों का सामना करना होता है जो बहुत खतरनाक होता है, जहाँ उसकी डेथ भी हो सकती है। रीटा खिड़की से बाहर देखती है कि प्लांट उग गए हैं तो वो लॉयर के साथ गेम प्लेस पर जाती है। जॉय बड़ी बुरी हालत में गाड़ियों का सामना करता है। रीटा कुछ पैसे देकर न्यूज़ ब्रॉडकास्ट के कंट्रोल रूम में जाती है। इधर एक खतरनाक प्लेयर जॉय पर लगातार जानलेवा हमला करता है। लॉयर और कैमरामैन प्लांट्स के पास पहुंचते हैं लेकिन वो किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। इधर जॉय ग्राउंड में लगे माइक की हेल्प से सभी को कहता है कि सिर्फ आप सबकी हेल्प कर रहा था लेकिन आप मुझे ही मारना चाहते हो, जस्ट बिलीव मी। लेकिन सभी हंसने लगते हैं क्योंकि सभी स्टूपिड्स होते हैं। लॉयर और कैमरामैन लड़ने लगते हैं और कैमरा प्लांट्स की तरफ चला जाता है और लॉयर सभी को प्लांट्स दिखाने लगता है। कैमरा बिग स्क्रीन पर प्लांट्स की फोटोज आ जाती हैं। प्रेजिडेंट आकर जॉय को बचा लेता है। सभी तरफ जश्न का माहौल होता है। जॉय रीटा को थैंक्स बोलता है। प्रेजिडेंट जॉय को वाइस प्रेजिडेंट बनाता है लेकिन जॉय मना कर देता है क्योंकि वो कहता है कि मुझे अब अपने घर वापस जाना है। सभी मिलकर उसे रोकते हैं तो जॉय और रीटा वहीं रुक जाते हैं। लॉयर रीटा और जॉय को टाइम मशीन राइड पर ले जाता है जो सिर्फ एक नॉर्मल सी राइड होती है। थोड़े टाइम बाद जॉय प्रेसिडेंट बन जाता है और यही हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।